काशीपुर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने की। इस दौरान साफ कहा गया कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। काशीपुर के कलश मंडप सभागार में अमन कमेटी की बैठक में पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी स्थल पहले से ही चिन्हित है, कोई भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। साथ ही जो कुर्बानी स्थल है उसे चारों तरफ से बंद करें और किसी भी प्रकार का वीडियोग्राफी न की जाए। उन्होंने त्योहार की बधाई देते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाएगा। आज सीएलजी और जिस कमेटी है उसकी काशीपुर हर वर्ष जो स्थापित परंपरा है उसी के हिसाब से ईद-उल अज़हा उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विगत वर्षों में अगर कोई समस्या या इस तरह की चीज़ें आई हैं, समाज के जो मौजूद लोग हैं, गैर विवादित लोग हैं, उनके माध्यम से उन चीज़ों को सुना गया। इसके अलावा प्रशासन से, जल संस्थान से और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, नगर निगम, पुलिस की एक संयुक्त मीटिंग ली गई है। उन मीटिंगों में जो समाज के मौजूद लोग हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, हर विभाग ने आश्वासन दिया कि उसको दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है ये शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हो और ये जिस चीज़ का जरूर ध्यान रखा जाए कि शहर का हाइजीन या अन्य चीज़ें ना खराब हो, जो चीज़ें नॉन एडेबल और अन्य चीज़ें हैं उसको वहीं पर प्रॉपर तरीके से गड्ढा और बनाकर भी डिस्पोजल किया जाए। जो कुर्बानी स्थल पहले से चिन्हित है वहीं पर होगा, कोई नई परंपरा डालने की अनुमति बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो चयनित मार्ग है, जो चयनित आवागमन के रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों का पालन किया जाएगा। चूँकि हमारे वहाँ भी त्यौहार रजिस्टर मेंटेन होता है, तो विगत वर्षों के भी त्यौहार रजिस्टर में जो चीज़ें हैं उससे जो लोग भी आए थे आज मीटिंग में उनको अवगत कराया गया है। होपफुली जो ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।